हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर्स लेसन नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द लेसन ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर एंड इट्स अवर लेक्चर नंबर 3। द फर्स्ट क्वेश्चन, हु आर एबल टू रीड वेरी वेल एवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। Who are able to read very well even before reaching the age of 25 years? ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में रीड किया था कि 25 years की एज तक पहुंचने से पहले वो कौन से हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ने में एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपको एज इट इज मिलेगा, जैसे ये लाइन्स इन द फर्स्ट नंबर पैराग्राफ, और इसको आप अंडरलाइन कर लें। There are some rare men who through a kind of inherited literary instinct are able to read very well even before reaching the age of 25 years. It's the first number answer. The meaning of the line, there are some rare men, मतलब ऐसे कुछ दुर्लभ व्यक्ति हैं who through a kind of inherited literary, inherited का मतलब इन बॉर्न लिटरेरी, मतलब जन्मजात लिटरेरी इंस्टिंक्ट यानी साहित्यिक प्रवृत्ति से, आर एबल टू रीड वेरी वेल, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं एवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, तो 25 ईयर्स की एज तक पहुंचने से पहले। बट दे आर वेरी रेयर मैन, ऐसे कुछ रेयर पर्सन ही होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं रेयर पर्सन के लिए हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। इन द सेम ऑर्डर वी डिस्कस ऑन द सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाउ मच इज रिटेंट, हाउ मच इज रिटेंट इन द माइंड ऑफ ए रीडर हु रीड्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट। द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, एक रीडर के माइंड में, मतलब एक पढ़ने वाले के माइंड में कितना कुछ रह जाता है वो रीडर जो केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ता है, जो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है। तो हमने पढ़ा था ओनली वन वैग और टू, मतलब केवल एक या दो अनक्लियर आइडियाज, ओनली वन वैग और टू। वैग मीन्स होता है अनक्लियर, मतलब अस्पष्ट, तो केवल एक या दो, केवल एक या दो जो वैग आइडियाज हैं, टू आइडियाज। ठीक है, इज रिटेंड इन द माइंड ऑफ ए रीडर हु रीड्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट। तो ये जो लाइन है ये इसके साथ में ऐड हो जाएगी, ओनली वन वैग और टू आइडियाज है, तो आर रिटेंड इन द माइंड ऑफ ए रीडर हु रीड्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट। ठीक है, तो आंसर समझ में आ गया होगा कि जो रीडर केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ता है उसके माइंड में केवल एक या दो आइडियाज शेष रह जाते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 3, why are most of the persons unable to express their original opinion about a book? अब ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे जो पर्सन है, मोस्ट ऑफ द पर्सन, बहुत सारे पर्सन वो अनएबल क्यों रहते हैं, असक्षम क्यों रहते हैं एक बुक के बारे में अपनी ओरिजिनल ओपिनियन एक्सप्रेस करने में, अपनी वास्तविक राय देने में अनएबल क्यों रहते हैं? तो हमने पढ़ा था कि वो केवल जो बुक खरीदते हैं, ऐसे पर्सन जो बुक खरीदते हैं वो केवल अम्यूजमेंट के लिए खरीदते हैं, यू कहो कि टू किल द टू पास द टाइम, मतलब समय काटने के लिए खरीदते हैं। देखो द आंसर इन द अगेन फर्स्ट नंबर पैसेज, Because they buy books just to amuse themselves, to kill time, as they call it. तो हमें जैसा कि क्वेश्चन वाई से स्टार्ट है तो बिकॉज लगा के लिखना है, बिकॉज या इट इज सो भी लिख सकते हैं, इट इज सो बिकॉज,
They buy books just to amuse themselves. वे पुस्तकें खरीदते हैं केवल amusement के लिए, मनोरंजन के लिए. और यदि वे कहते हैं, और ऐसा भी वो कहते हैं, to kill time, समय काटने के लिए. In 1 hour or two, their eyes have passed over all the pages, and there is left in their minds a vague idea or two. ये वाली लाइन थी वो, a vague idea or two about what they have been looking at. ठीक है, तो एक या दो घंटे में तो उनकी जो नजरें हैं, आई जाए, वो सारे पेजेस पर से गुजर जाती हैं और उनके माइंड में रह जाता है केवल एक या दो अनक्लियर, अस्पष्ट आइडिया जो उन्होंने देखा है न कि पढ़ा है. तो इट द आंसर ऑफ द थर्ड नंबर क्वेश्चन, इट इज सो बिकॉज. नेक्स्ट वी डिस्कस ऑन द क्वेश्चन नंबर फोर, एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज What does the author mean by hard reading? Hard reading से author का क्या मतलब है? तो हमने पढ़ा था कि hard reading का मतलब है to read slowly. और देखो पहले part of the question से तो आपका ये part आएगा, the author means, क्योंकि आप देख रहे हैं does helping verb है, तो ये जो s है आप verb की first form में s यहाँ add करेंगे according to rule of the present simple tense. The author means by hard reading, ठीक है, the author means by hard reading. और ये अपना पैसेज है, author means by hard reading to read very thoroughly, मतलब completely पढ़ना, स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स एंड बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट. यहां बियरिंग का मतलब है एस्पेक्ट्स, मतलब उसके पहलू. तो इसका मतलब है कि जो बुक है, बुक के सारे एस्पेक्ट यानी पहलू और उसके मीनिंग्स को अध्ययन करते हुए पढ़ना, स्लोली धीरे धीरे पढ़ना, एंड थिंकिंग अबाउट इट, इसके बारे में सोचते हुए पढ़ना. तो ये है हार्ड रीडिंग, द मीनिंग ऑफ द हार्ड रीडिंग. ठीक है, तो इट द आंसर नंबर फोर. नेक्स्ट फाइव नंबर क्वेश्चन, यस, एक्सप्लेन हाउ अकॉर्डिंग टू लैपकैडियो हर्न इज द राइटर ऑफ द लेसन, लैपकैडियो हर्न, अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो लैपकैडियो हर्न के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि अम्यूजमेंट और स्टडी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. तो इट इज वेरी क्लियर इन द पैराग्राफ, अम्यूजमेंट स्टडी आर वेरी डिफरेंट. जस्ट नेक्स्ट द फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अम्यूजमेंट एंड स्टडी इन द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स. एवरी बुक वर्थ रीडिंग और टू बी रीड इन प्रीसियसली इन द सेम वे दैट ए साइंटिफिक बुक इज रीड, नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट. एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू इन इट दैट ए साइंटिफिक बुक हैज. इट द आंसर ऑफ द फाइव नंबर क्वेश्चन, अम्यूजमेंट एंड स्टडी दोनों अलग अलग चीजें हैं. एवरी बुक वर्थ रीडिंग मतलब पढ़ने योग्य हर एक पुस्तक को, और टू बी रीड पढ़ा जाना चाहिए इन प्रिसाइसली द सेम वे, बिल्कुल उसी तरीके से दैट ए साइंटिफिक बुक इज रीड, जैसा कि एक साइंटिफिक बुक को पढ़ा जाता है, और सिंपली अम्यूजमेंट के लिए नहीं. और एवरी बुक वर्थ रीडिंग शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू, मतलब वो भी वैल्यूएबल होनी चाहिए, उसमें भी वैल्यूएबल पॉइंट्स उतने ही होने चाहिए जितने एक साइंटिफिक बुक में होते हैं. ओके, इट द आंसर ऑफ द फाइव नंबर क्वेश्चन. नेक्स्ट वी टेक द सिक्स नंबर क्वेश्चन, What are the chief characteristics of a scientific book? एक वैज्ञानिक बुक, एक साइंटिफिक बुक की जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? तो सबसे पहले तो ए साइंटिफिक बुक हैज ए वैल्यू इन इट. ए साइंटिफिक बुक हैज ए वैल्यू
इन इट, मतलब वो वैल्यूएबल होती है. और द सेकंड फैक्ट, इट इज हार्ड टू स्टडी. इट इज हार्ड टू स्टडी, मतलब इसको अध्ययन करना हार्ड होता है. ठीक है. एंड द मेन द नेक्स्ट स्टेटमेंट वी हैव टू राइट इन द आंसर. इट हैज बीन कंपोज अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स. ए साइंटिफिक बुक हैज बीन कंपोज अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस. इसका मतलब है कि एक साइंटिफिक को जो कंपोज किया जाता है वो उसके बेस्ट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, मतलब सिद्धांतों के अकॉर्डिंग, जो एक साइंस से भी ऊपर होते हैं, तो उन प्रिंसिपल्स के आधार पर या उनके अकॉर्डिंगली उसे लिखा जाता है. ठीक है. तो इस तरह से जो साइंटिफिक बुक है वो वैल्यूएबल होती है, हैज वैल्यू इन इट. इसे पढ़ना थोड़ा हार्ड होता है. तो दीज आर द मेन चीफ करेक्टरिस्टिक्स. एंड नेक्स्ट वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट अ हाफ एजुकेटेड पर्सन. तो ये भी हमने रीड किया था कि ऑथर्स का ओपिनियन क्या है जो हाफ एजुकेटेड पर्सन है, जो मतलब आधे पढ़े लिखे लोग हैं उनके बारे में. तो इट इज एज इट इज इन द पैराग्राफ. एंड प्लीज अंडरलाइन द लाइंस. यस, हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूजमेंट एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट. यूज द वर्ड बिकॉज हियर, बिकॉज दे आर इनकेपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज दैट बिलोंग टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर. तो इट द रीजन कि दे आर नॉट ब्लेम्ड फॉर इट. तो ये इसमें पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी आ जाएगा. हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूजमेंट, वो अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं. आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, और इसके लिए उन्हें दोष भी नहीं दिया जाता. इसका रीजन बिकॉज दे आर इनकेपेबल ऑफ एप्रिसिएटिंग द डीपर क्वालिटीज, जो डीप क्वालिटीज हैं उन डीप क्वालिटीज को एप्रिसिएट करने में दे आर टोटली इनकेपेबल, मतलब दे आर नॉट एबल, मतलब वो सक्षम नहीं होते हैं. और दैट क्वालिटी दैट बिलोंग टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर, जो एक वास्तविक महान लिटरेचर से संबंधित होती है, उन क्वालिटीज को एप्रिसिएट करने में वो एबल नहीं हो पाते. दे आर नो दे आर इनकेपेबल. तो इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन फॉर्म्ड इन ए पर्सन. तो ये भी हमने उसके जस्ट बाद में रीड किया था. अगर एक व्यक्ति अपने आप में डिसिप्लिन फॉर्म कर लेता है, बना लेता है, ये हैबिट ऑफ डिसिप्लिन है, तो हैबिट ऑफ डिसिप्लिन को फॉर्म कर लेता है तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं. ठीक है. तो ये रिजल्ट्स हमें बताने हैं. और ये भी एज इट इज हैज बीन गिवन इन द पैरा. देखिए, वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म्ड ए पर्सन, हैज फॉर्म्ड द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन. ठीक है, इसको आप अफर्मेटिव कर लेंगे. ए पर्सन हैज फॉर्म्ड द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन. नेक्स्ट, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट. तो वह केवल मनोरंजन के लिए पढ़ने की जो हैबिट है उसको इम्पॉसिबल पाएगा. ही विल देन इम्पेशेंसली थ्रो डाउन. थ्रो डाउन मीन्स फेंकना, फेंक देगा. एनी बुक फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड. कोई भी ऐसी बुक जिससे वह इंटेलेक्चुअल भोजन, बौद्धिक भोजन प्राप्त न कर सके. और एनी बुक विच डज नॉट मेक एन अपील टू द हायर इमोशंस एंड टू हिज इंटेलेक्ट. और ऐसी बुक जो उसके इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंग ना हो और उसके हायर इमोशंस को न छूती हो, ठीक है, या अपीलिंग नहीं हो, तो ऐसी बुक को वह फेंक देगा. तो इट द रिजल्ट व्हेन ए पर्सन मेक्स द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन.
ठीक है। तो ये डिसिप्लिन पर्संस की हैबिट है, अगर एक बार वो इस तरह की हैबिट बना लेता है तो दे आर द रिजल्ट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू वी फाइंड व्हेन वी री रीड ए बुक। जब हम एक बुक को पुनः पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं, व्हेन वी री रीड ए बुक। ठीक है, द आंसर विल स्टार्ट व्हेन वी री रीड ए बुक वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटी इन इट एज इट इज लाइन इन द पैसेज। इट द लाइन व्हेन वी री रीड इट वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटी इन इट। ओके, व्हेन वी री रीड, ओके, इट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई हैज रीडिंग फॉर मियर अम्यूजमेंट बीन कंपेयर्ड टू ए नार्कोटिक, नशे की दवा। तो यहाँ ये क्वेश्चन है कि अम्यूजमेंट, केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ना तो उसको नारकोटिक से कंपेयर क्यों किया गया है। ठीक है, तो ये आंसर स्टार्ट होगा आपका यहाँ से, रीडिंग फॉर मियर अम्यूजमेंट इज कंपेयर्ड टू ए नारकोटिक या हैज बीन कंपेयर्ड टू ए नारकोटिक। ओके, अगेन रिपीट, रीडिंग फॉर मियर अम्यूजमेंट हैज बीन कंपेयर्ड टू ए नारकोटिक बिकॉज यस बिकॉज द वर्ड नार्कोटिक बिकॉज इट इज समथिंग, बिकॉज इट इज समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, समथिंग दैट कीप्स अप ए परपेक्चुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ द माइंड एंड लीविंग द डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग्स एंड हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन एम्प्लॉयड। इट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो मियर रीडिंग फॉर मियर अम्यूजमेंट हैज बीन कंपेयर्ड टू ए नार्कोटिक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज इट इज समथिंग, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, जो समय को काटने में हेल्प करती है, समथिंग दैट कीप्स अप ए परपेक्चुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, ये एक ऐसी चीज है जो स्वप्न की एक कंटिन्यूअस कंडीशन में हमको बनाए रखती है, और समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, और एक ऐसी चीज़ है जिसका अंत में रिजल्ट होता है सोचने समझने की जो कैपेसिटी है उसको डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो जाना, और गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ द माइंड, और माइंड का जो सरफेस पार्ट है मतलब द आउटर पार्ट केवल उसी को एक्सरसाइज देता है, लिविंग का मतलब है छोड़ते हुए, डीप सोर्स मतलब डीप सोर्स ऑफ द फीलिंग्स मतलब इमोशंस, इमोशंस के जो डीप सोर्स है उनको छोड़ते हुए, हायर फैकल्टीज यानी पावर्स, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग की जो पावर्स है, गेटिंग पावर्स, उन गेटिंग पावर्स को छोड़ते हुए। तो मतलब है कि इस तरह की हैबिट अगर व्यक्ति लेता है तो उसके जो इमोशंस हैं वो लगभग खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और उसकी जो सोचने समझने की जो पावर है वो भी खत्म हो जाती है, और उसकी जो परसेप्शन एबिलिटी है वो एबिलिटी भी लगभग खत्म हो जाती है। तो इसलिए केवल मियर अम्यूजमेंट, रीडिंग फॉर मियर अम्यूजमेंट क्यू को कंपेयर किया गया है नार्कोटिक से, नार्कोटिक का मतलब है नशे की दवा, ए ड्रग दैट स्पॉइल्स द माइंड। तो ये अपने सोल टाइप जो क्वेश्चंस हैं दे आर कंप्लीटेड। एंड नेक्स्ट द वर्ड्स 60-80 वर्ड्स। अब देखो ये क्वेश्चन है जैसे हाउ डज ए ग्रेट क्रिटिक डिफर फ्रॉम ए कॉमन पर्सन,
तो एक जो महान आलोचक है वो एक आम व्यक्ति से डिफर क्यों है, मतलब डिफरेंट क्यों है? क्योंकि द ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड एंड द कॉमन पर्सन डज नॉट रीड, डज नॉट नो हाउ टू रीड। तो यही डिफरेंस है, ग्रेट क्रिटिक जानता है कैसे पढ़ना है और कॉमन पर्सन है वो नहीं जानता पढ़ना। तो यही इनमें मेन डिफरेंस है। ए गुड लुक, हाँ, ए गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस और पोएट्री इज ए साइंटिफिक बुक, साइंटिफिक वर्क, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो लाइन हमने पढ़ी थी कि ये जो फिक्शन है, रोमांस है, पोएट्री है, दे आर ऑल्सो द साइंटिफिक वर्क, क्योंकि दे आर रिटन, दे आर कंपोज ऑन द बेसिस ऑफ द साइंस, मतलब साइंस के आधार पर इनको लिखा जाता है। बट दे हैव द साइंस, जैसे मॉरल साइंस, ठीक है, जैसे नेचुरल साइंस, तो नेचुरल साइंस है, मॉरल साइंस है, दे आर द बेस्ट ऑन द ऑफ द बुक्स विच आर रिटन ऑन फिक्शन, रोमांस एंड पोइट्री। अब जैसे ये थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, दे आर द मेन क्वेश्चन एज ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड इट इज आस्क्ड इन 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मतलब अभी आपसे जस्ट पहले। और एक जो इससे पीछे लेसन आया था प्योरिटी ऑफ पावर, ठीक है, इससे जस्ट पीछे था। तो दो क्वेश्चन आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ लिखना होता है जिसकी वर्ड लिमिट होती है, द एक्चुअल वर्ड लिमिट इज 125 वर्ड्स, ओके, 125 वर्ड्स यू हैव टू राइट द आंसर द इन मिनिमम वर्ड लिमिट 125 वर्ड्स, ओके। एंड द क्वेश्चन इज हाउ इज द ग्रेटनेस ऑफ ए बुक डिटरमिंड और मेंशन द क्वालिटीज ऑफ ए गुड बुक, दे आर वेरी सिमिलर, दोनों में ही आपको जो गुड बुक है उसकी क्वालिटीज लिखनी है या ग्रेटनेस प्रूव करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जैसे बुक्स की जो क्वालिटीज जो हमने रीड की थी वो अगर पैराग्राफ्स में आपको बताऊँ तो वो लाइन्स में आपको इजीली बता सकता हूँ कि ये वो लाइन्स हैं जो इस बुक्स की क्वालिटीज हैं। देखो, एक तो हमने ये रीड किया था, द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज वेदर वी वांट टू रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस, ठीक है, एक तो ये इसकी क्वालिटीज है। यहाँ से लिखना है, एनी रियली ग्रेट बुक वी वांट टू रीड द सेकंड टाइम एवन मोर देन वी वांटेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम एंड एवरी एडिशनल टाइम दैट वी रीड इट वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटी इन इट, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, इसी पैराग्राफ में आपको नेक्स्ट क्वालिटी मिलेगी, देखो यहां से लिखना, ए ग्रेट बुक विच हैज बीन एडमायर्ड एंड प्रेज्ड फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स, जिसकी सैकड़ों वर्षों से प्रशंसा हुई है, वी मे बी श्योर दैट बाई ट्राइंग बाई स्टडिंग इट केयरफुली वी शैल एट लीस्ट बी एबल टू फील द रीजन ऑफ दिस एडमिरेशन एंड प्रेज, इट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ ए ग्रेट बुक। और एक आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी लिखा था जिसमें साइंटिफिक बुक को उसके चीफ करेक्टर्स पूछे गए थे, तो ए ग्रेट बुक से लिखना है, ए ग्रेट बुक हैज वैल्यू इन इट, इट इज हार्ड टू स्टडी, इसको पढ़ना हार्ड होता है, ठीक है, एंड इट इज कंपोज ऑन द बेस्ट प्रिंसिपल्स मोर देन साइंस। तो ये पैराग्राफ भी आपको जरूर ऐड करना है। और नेक्स्ट जो क्वालिटीज है जैसे इस पैराग्राफ में मिल जाएगी, ये देखो, ए ग्रेट बुक नेवर बिकम्स ओल्ड, जो महान पुस्तक होती है वो कभी पुरानी नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट जैसे यहाँ तो दे दिया हुआ है, आपको एक ग्रेट बुक ही लेना पड़ेगा सिंगुलर सब्जेक्ट, ए ग्रेट बुक नेवर बिकम्स ओल्ड, इट्स यूथ इज इमॉर्टल, इसकी जो युवावस्था वो अमर रहती है। और इट, जैसे कि ग्रेट बुक हमने पहले ले लिया, इज नॉट एप्ट टू बी कॉम्प्रीहेंडेड बाई ए यंग पर्सन एट द फर्स्ट रीडिंग एक्सेप्ट इन ए सुपरफिशियल वे। तो ये लाइन हमें लेनी है। और एक जो लास्ट लाइन्स है देखो, ये, ए ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड, मतलब एक महान पुस्तक रीडर के माइंड के ग्रोथ के अनुपात में बढ़ती है।
ठीक है, तो ये जो क्वालिटीज हमने रीड की थी इन द पैराग्राफ्स, तो वी कैन राइट द लाइन्स इन प्रेजिंग ए ग्रेट बुक। तो इस तरह से आपका जो पार्ट है क्वेश्चन आंसर इट इज कंप्लीटेड नाउ। एंड नेक्स्ट, जैसे ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड गाइड अस इन द चॉइस ऑफ अवर रीडिंग। अब वो कौन सी चीज है जो पढ़ने के लिए चॉइस में हमारी गाइड करेगा, तो ऐसी एक बुक जिसने समय की परीक्षा को पास किया है, ए बुक विच हैज पास द टेस्ट ऑफ टाइम, जिसने समय की परीक्षा को पास किया है। एंड ए बुक विच हैज बीन प्रेज्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक बुक जो जनरेशन टू जनरेशन हमेशा प्रशंसा की गई है। तो दे आर गाइड फॉर अस इन द चॉइस ऑफ अवर रीडिंग। एट द लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय ए ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, ये बिल्कुल सही है, इसके जस्ट ऊपर इसका एक्सप्लेनेशन है कि जैसे 18 एज में जब कोई एक पुस्तक को पढ़ता है तो वो कितनी क्या थी तो इसके बारे में उसको लिए सपोज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब उसी बुक को वो 25 एज में पढ़ता है तो ये हमने रीड किया था, तो यही इसका मीनिंग है और यही इसका एक्सप्लेनेशन है। देखो लास्ट पेरा में हमने रीड किया था ये वाला, द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18 इफ इट बी ए गुड बुक विल डिलाइट अस मच मोर एट 25 एंड इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक टू अस एट 30 ईयर्स ऑफ एज। एट 40 वी शैल री रीड इट वंडरिंग वाई वी नेवर सॉ हाउ ब्यूटिफुल इट वॉज बिफोर। एट 50 और 60 ईयर्स ऑफ एज द सेम फैक्ट्स विल रिपीट देम सेल्स। ए ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। ओके स्टूडेंट, दैट इज द एंड ऑफ द लेसन एंड आई होप यू विल इंजॉय द लेसन, यू विल लर्न द लेसन। And at the end of the sixth number lesson, again meet in the next lecture with a new lesson, lesson number 7. Okay, students, have a nice day.